नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास एट्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 2, जिसमें कि अब तक हमने पढ़ा एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के सिस्टम क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग या टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या है। उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं मेजर क्रॉप्स की, हमारी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य फसलें वो जो हम आम तौर पर उगाते हैं, जिनसे कि हमें पैसा मिलता है, जो हमारा जीवन यापन करने में मदद करती है। आइए, अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। एक बहुत बड़ी मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें की हमें जरूरत पड़ती है उगाने की, जैसे कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स आर, और जो फसलें हैं वह आज की जो फसलें हैं उनकी सप्लाई की जाती है, उनके सामान दिया भी जाता है किसको, कृषि आधारित उद्योग को, कच्चा माल कृषि आधारित उद्योग को भी दिया जाता है। मेजर फूड क्रॉप्स जो मुख्य फसलें हैं कौन सी है, वीट है, अनाज है, राइस, धान है, मेज, मक्का है, मिलेट्स, बाजरा, जूट, आपका पटसन और कॉटन कपास है, ये फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि सॉरी जो आपकी जूट एंड कॉटन है वे फाइबर क्रॉप्स हैं। और ये इम्पोर्टेंट बेवरेज, अगर हम खास बेवरेज वाली या पेय फसलों की बात करें तो वह कौन सी है, टी और कॉफ़ी है, चाय और कॉफ़ी की फसल है। तो यहाँ पे तीन फसलें आपने पढ़ी, एक तो फूड क्रॉप्स जो कि आपकी वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स हैं, एक फाइबर क्रॉप आपने पढ़ी जो कि आपकी जूट और कॉटन, पटसन और रेशम है, तीसरी बेवरेज क्रॉप है जो पेय फसलें हैं वे आपकी टी और कॉफ़ी है। तो ये शुरू करते हैं राइस से, धान से। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की जो मुख्य फसल है वह धान है, वह चावल की खेती है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, और यह मुख्य आहार है, यह मुख्य भोजन है, यह स्टेपल डाइट है कहाँ की, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, चावल को उगने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब कि गर्म तापमान, उच्च तापमान चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता चाहिए होती है, एंड रेनफॉल और बारिश, मतलब कि इसको 24 घंटे पानी भरा होना चाहिए। क्या चाहिए, पानी भरा होना चाहिए, जैसे कि आजकल का मौसम है, अभी फ़िलहाल चल रहा है आपका, जून शुरू हो चुका है, तो मई के लास्ट में या जून में यह फसल बोई जाती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सोयल, और यह जो फसल होती है इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है आपकी चीकायुक्त जलोढ़ मिट्टी, कौन सी, चीकायुक्त जलोढ़ मिट्टी, विच कैन रिटेन वाटर, जिसमें कि आपका पानी रुक जाए, कहते ना पानी रुका चाहिए, तो चिकनी मिट्टी में ज़्यादा अच्छी फसल होती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जो इसमें मुख्य है या अग्रणी देश कहें जो सबसे ज़्यादा उगाता है वह है आपका चाइना, चाइना के बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट चावल के फसल में कुछ मुख्य देश हैं। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ अनुकूल जलवायु जो स्थिति होती हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में है या बांग्लादेश में है, 2 to 3 क्रॉप्स आर, इसमें आप 2 से 3 फसल हर साल ले सकते हो, कितनी, 2 से 3 फसल हर साल ले सकते हो। आइए नेक्स्ट हमारी आती है वीट, क्या है दोस्तों, वीट अनाज। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जो आपकी अनाज की खेती होती है इसमें एक तो आपका मध्यम तापमान चाहिए होता है, दूसरा बारिश चाहिए होती है, तब जब ग्रोइंग सीजन चलता है इसका, कब, जब इसकी ग्रोइंग सीजन चलता है, जब यह बढ़ रहा होता है, लेकिन वहीं पर जब इसकी कटाई का समय आता है, इसके पकने का समय आता है, तो उस समय इसको धूप चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सोयल, और जो है जो उगता है यह सुअपवाहित दुमट मृदा, कौन सी, दुमट लोमी मिट्टी में, लोमी सोयल में ज़्यादा अच्छे से उगता है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली, जो आपका अनाज होता है वह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उसकी फसल कहाँ की जाती है, तो वह की जाती है USA, कनाडा,
अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। और आप सब जानते हैं कि भारत में सर्दियों के टाइम पर अनाज की बुआई होती है। मिलेट्स, अब मिलेट्स क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोयल। ये मोटे अनाज होते हैं। जैसे हम करें मक्का, मक्का की अगर बात करें तो ये मोटे अनाज होते हैं और ये उगते हैं आपके लेस फर्टाइल, जो कम उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पे भी उग जाते हैं, और जो सैंडी सोयल है, जो बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, वहाँ पर भी उगा दिए जाते हैं। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है एंड हाई टू मॉडरेट, और उच्च से लेकर मध्यम तापमान की ज़रूरत इसको होती है। ठीक है दोस्तों, सो एंड एडिक्वेट रेनफॉल, और एक पर्याप्त मात्रा में एक बारिश हो जाए वो इसके लिए काफ़ी होता है। और इसमें आते कौन से हैं? ये आते हैं ज्वार, बाजरा और राग, ये भारत में उगाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी कंट्रीज हैं जैसे कि नाइजेरिया, चाइना और नाइजर, यहाँ पर भी मिलेट्स की खेती होती है, और ये मिलेट्स का हिस्सा है ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। मेज, मेज रिक्वायर्स, जो आपकी मक्का होती है, इस मक्के को ज़रूरत होती है मॉडरेट टेम्परेचर, मध्यम तापमान की, रेनफॉल की, बरसात की, एंड लोड्स ऑफ सनशाइन, और बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी की। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सोयल, और यह जो उगती है इसको उसके लिए ज़रूरत होती है उपजाऊ मिट्टी की। किसकी? उपजाऊ मिट्टी की। मेज इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, और जो मेज उगाई जाती है, मक्का उगाई जाती है, वह नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रसिया में, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में अच्छे स्तर पर उगाई जाती है। कॉटन, अब क्या दोस्तों? कॉटन, तो कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, रेशम को मौसम चाहिए होता है बहुत तेज़, लाइट रेनफॉल, हल्की बारिश, और लगभग इसको होने में 200 से 210 दिन लगते हैं। कितने? 200 से 210 दिन। और वे कैसे होने चाहिए? फ्रोस्ट फ्री, पाला रहित, सर्दी नहीं होनी चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर उसकी उपज के लिए, इसकी बढ़ोत के लिए इसको सूरज की रोशनी भी चाहिए होती है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलोवियल सोयल, और ये बहुत अच्छी उगती है कहाँ पर? काली और जलोढ़ मिट्टी में। कहाँ पर? काली और जलोढ़ मिट्टी में। अगर बात करें देशों की तो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, अग्रणी उत्पादक हैं रेशम के। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और यह एक मुख्य कच्चा माल है किसके लिए? रेशम उद्योग के लिए। किसके लिए? रेशम उद्योग के लिए। आइए अब बात करते हैं जूट की, पटसन की। जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को, पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सोयल, और यह जलोढ़ मिट्टी पर बहुत अच्छे से उगता है। एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, और इसको ज़रूरत होती है उच्च तापमान की, हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा की, और ह्यूमिड क्लाइमेट, और आर्द्र जलवायु की। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द, और यह फसल उगाई जाती है ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय, जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पर यह फसल की जाती है। इंडिया एंड बांग्लादेश, जो इंडिया और बांग्लादेश हैं, यह लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, यह अग्रणी उत्पादक हैं किसके? पटसन के, जूट के। आइए कॉफ़ी, क्या करते हैं? कॉफ़ी, तो कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। वार्म एंड गर्म, और वेट होता है गीला, आर्द्र वाला, जिसमें नमी होती है उस जलवायु की। एंड वेल ड्रेन लोमी सोयल, और इसको लोमी मिट्टी में यह होता है, दुमट मिट्टी जो होती है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, और जो आपकी पर्वतों के जो ढलान होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ों की ढलान होती हैं, वहाँ पर यह बहुत अच्छे से उगती है। ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील क्या है? अग्रणी उत्पादक है कॉफ़ी का, और उसके बाद कोलंबिया और इंडिया का नंबर आता है। टी, टी इज़ ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। टी आपकी एक पेय फसल है जो कि बागानों में उगाई जाती है,
दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, इसके लिए ठंडे मौसम की जरूरत होती है, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, और एक बहुत अच्छा उच्च वर्षा चाहिए होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इसकी पत्तियों की ग्रोथ के लिए, इसकी पत्तियों की बढ़त के लिए, इसकी कोमल कोमल पत्तियों को उगने के लिए बरसात चाहिए होती है वो भी पूरे साल। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सोयल एंड जेंटल स्लोप, इसको आवश्यकता होती है किसकी, दुमट मिट्टी की और जेंटल स्लोप्स और थोड़े ढलान की। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, और इसमें पत्तियों को चूटने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है। केनिया इंडिया चाइना श्रीलंका, याद रखना केनिया इंडिया चाइना श्रीलंका ये उत्पाद करते हैं अच्छी क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता की चाय का, जो कि पूरे संसार में पूरी दुनिया में अच्छी मानी जाती है। आइए दोस्तों अब चलते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ओर, कृषि का विकास कैसे हो सकता है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहा गया है, जो कृषि का विकास कहा गया है, यह बेसिकली उन प्रयास के लिए कहा गया है जिन प्रयासों से हम अपनी जो उत्पादकता है जो उत्पादन है वह कैसे बढ़ाया जाएगा हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, और यह हम सिर्फ तभी पा सकते हैं तभी इसको हम पूरा कर सकते हैं जब हम अपनी फसल उगाने के एरिया को बढ़ा सकें, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, और जब हम अपनी फसल जो बो रहे हैं उसको बढ़ा सकें, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की फैसिलिटी को इम्प्रूव कर सकें उनमें सुधार कर सकें, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हम उसमें उर्वरक का इस्तेमाल करें जिसको आप खाद कहते हैं, खाद का इस्तेमाल करने से या ज़्यादा उत्पाद करने वाली फसलों का इस्तेमाल करके, ज़्यादा उत्पाद करने वाले बीजों का इस्तेमाल करके, ज़्यादा पैदावार करने वाले बीजों का इस्तेमाल करके। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और कृषि के विकास में जो खेती के उपकरण या खेती का जो मशीनीकरण वाला एस्पेक्ट है यह भी एक पहलू है जिससे कि हम अपनी खेती में विकास कर सकते हैं। दी अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, और फाइनली जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो कृषि के विकास का जो मेन उद्देश्य है वह है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना। तो एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो खेती है वह डेवलप विकास किया जा रहा है उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग हिस्सों में इस देश के, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। भारत में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं बेसिकली जो विकासशील देश हैं उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिससे कि वह एक छोटे एरिए पर एक छोटे से प्लॉट पर खेती करते हैं सिर्फ अपनी जीविका के लिए, किसके लिए, सिर्फ अपनी जीविका के लिए। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, लेकिन जो कमर्शियल जो वाणिज्यिक खेती करते हैं जैसे कि USA कनाडा ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर खेती करने वालों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है जो कि लगभग हेक्टेयर 200 250 300 हेक्टेयर में होती है, ठीक है। और इंडिया में कितनी, 1.5 2 3 बीघे होती है, तो यहाँ पर सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए खेती होती है। और जो कमर्शियल के पास बहुत बड़े बड़े प्लॉट होते हैं जैसे कि बात की USA कनाडा ऑस्ट्रेलिया में, विथ द हेल्प ऑफ टू केस, अब हम दो स्टडी पढ़ेंगे, दो केस स्टडी पढ़ेंगे, एक तो हम इंडिया की पढ़ेंगे दूसरी हम USA की पढ़ेंगे। अब देखते हैं ये खेती डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री में कैसे की जाती है, डेवलपिंग जैसे इंडिया जो विकासशील देश है जहाँ विकास हो रहे हैं, और एक डेवलप्ड कंट्री जो विकास कर चुकी है जैसे USA एंड ऑल। ए फार्म इन इंडिया, कहाँ की बात हो रही है कि भारत में एक खेत, देयर इज ए स्मॉल विलेज
आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक जिला गाजीपुर में आदिलाबाद एक गांव है। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर, उसका एक किसान है मुन्ना लाल हु हैज़ फार्मलैंड, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर जमीन है। हीज हाउस इज इन द मेन विलेज, और मुख्य गाँव में उसका घर है। ही परचेज हाई यील्डिंग वराइटीज ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर, और हर तीसरे साल वह नए बीज खरीदता है जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सके। द लैंड इज फर्टाइल, उसकी जो भूमि है वह उपजाऊ है। ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ईयर, वह साल में 2 फसल उगाता है, विच इज़ नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेस, जो कि आमतौर पर अनाज चावल और दालें होती हैं। The farmer take advice of his friend and elders as well as government agricultural officer regarding farming practices, और वह सलाह भी लेता रहता है अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से, या फिर जो सरकारी अफसर आते हैं, सरकारी खेती वाले अफसर आते हैं, उनसे भी सलाह लेता रहता है। He takes a tractor on it, उनने किराए पर एक ट्रैक्टर लिया, किसके लिए, खेत को जोतने के लिए, अपने दोस्तों से, जो कि अब भी और उसके जो दोस्त हैं वे अब भी ट्रेडिशनल मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। और वह क्या था, अपना बैलगाड़ी और हल, बैल और हल का इस्तेमाल करते हैं खेत को जोतने के लिए। देयर इज ए ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड, उसके आस वाले खेत में एक ट्यूबवेल है जिससे कि वह सिंचाई के लिए पानी खरीदता है, वह किराए पर लेता है। मुन्नालाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज, मुन्नालाल के पास 2 भैंस हैं और 2 मुर्गियाँ हैं। He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals and safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination. मुन्नालाल के पास 2 भैंस हैं और 2 और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह दूध बेचता है सहकारी भंडार में, कोऑपरेटिव स्टोर सहकारी भंडार में, जो कि उसके कस्बे के पास में है। ही इज़ ए मेंबर, और वह सदस्य भी बन चुका है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सहकारी सोसाइटी का क्या बन चुका है, सदस्य बन चुका है, जो उसको सलाह देती रहती है कि उसको अपने जानवरों के लिए कैसा चारा इस्तेमाल करना चाहिए और सुरक्षात्मक उपायों के बारे में, सेफ्टी मेजर्स, मतलब कैसे वह सुरक्षा बरत सकता है अपनी पशुधन के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान की जानकारी उसको देते रहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज, समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और टू बाय HYV, मतलब हाई यील्डिंग वराइटीज सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अब उसके जो घर के मेंबर हैं वे भी कभी कभी उसकी खेती में मदद करते रहते हैं, कभी वह कर्जा लेता है कहाँ से, बैंक से, या जो आपकी सहकारी समिति हैं, कृषि सहकारी समिति, उनसे कर्जा लेता है, किस लिए, नए नए बीज खरीदने के लिए जो ज़्यादा पैदावार देते हैं, और इम्प्लीमेंट्स, और उनके लिए औजार खरीदने के लिए। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन नियर बाई टाउन, सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन वैन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू दैम। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। वह जो उसके पास उत्पादन होता है, जो उत्पाद होता है, उसको बेच देता है मंडी में, जो कि उसके शहर के पास में ही लगती है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर डोंट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, क्योंकि अधिकतर जो किसान हैं उनके पास भंडार करने के लिए भंडारण नहीं है, भंडार लगाने के लिए, सामान को इकट्ठा रखने के लिए उनके पास जगह नहीं होती, सुविधाएं नहीं होती, तो उनको ज़बरदस्ती मान लो, या फिर ज़रूरत के हिसाब से मान लो कि मार्केट उनके अनुकूल ना होते हुए भी फिर भी उनको माल मंडी में बेचना होता है। हाँ, अब सरकार ने कुछ स्कीम चला दी गई हैं जिसमें कि उनके भंडारण सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। तो यह था एक केस जो हमने पढ़ा इंडिया की खेत के बारे में। अब हम चलते हैं एक USA के फार्म की तरफ, USA में खेती कैसे होती है। द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन द USA इज मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडियन फार्म। USA में एक जो एवरेज होता है वह भारत के एवरेज फार्म से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर लगभग किसान के पास 250 हेक्टेयर की ज़मीन होती है, और यहाँ पर कितनी, 1.5 हेक्टेयर, वहाँ पर कितनी, 250 हेक्टेयर औसतन मिलती है। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, और जो किसान होते हैं वे अपने खेत में ही रहते हैं।
सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन, जो वहाँ पर मुख्य फसलें उगाई जाती हैं वह होती है कॉर्न, कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड सुगर बीट। जॉय हॉर्न एक किसान है, कहाँ पर? मिडवेस्ट यूएसए में। इन लावा स्टेट ऑन्स अबाउट 300 hectares ऑफ लैंड, उसके बाद लगभग 300 hectares जमीन है। ही ग्रोस, वह उसमें कॉर्न उगाता है। क्या उगाता है? कॉर्न, मक्का उगाता है। आफ्टर मेकिंग श्योर द सोयल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप, और वह पहले यह निश्चित करता है कि क्या उसकी ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि इसको उगा सके, क्या उसके आसपास इतना पानी है कि उसकी पूर्ति कर सके। एडिक्वेट मेजर्स, जो पर्याप्त जरूरी बातें हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, क्या वह वहाँ पर फुलफिल की जा रही हैं, जो उनके मेजर्स हैं क्या हैं, जो उपाय हैं, क्या वे सब नियंत्रण कर सकते हैं वहाँ पर पेस्ट को, जो कि फसलों को नष्ट करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर वह अपनी मिट्टी के सैंपल भी टेस्ट कराने के लिए भेजता रहता है लेबोरेटरी में, जहाँ पर कि ये टेस्ट होता है कि जो उसके पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या वह पर्याप्त हैं या नहीं। अगर पर्याप्त है अच्छी बात है, अगर पर्याप्त नहीं है तो उनके लिए उसे उसमें क्या चीज़ डालनी चाहिए। द रिजल्ट हेल्प, अब उसके परिणाम जो है उनको मदद करते हैं यह पता करने के लिए कि अब जो उसमें खाद डालेंगे वह कौन से डालने चाहिए। दिस हेल्प हिम टू यूज़, उसके बाद वह उसमें केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है, रसायन खाद इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है, जिसकी कि उस मिट्टी को ज़रूरत होती है। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, वह ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, सीड ड्रिल्स, बीज बोने वाली मशीन का इस्तेमाल करता है, लेवलर मतलब उसको जो बराबर करते हैं जमीन को, उसका इस्तेमाल करता है, कंबाइंड हार्वेस्टर, किसका इस्तेमाल करता है? कंबाइंड हार्वेस्टर, जो कि आपका फसल काटने वाला होता है उसका इस्तेमाल करता है, एंड थ्रेसर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ए ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज, और जो ग्रेन अनाज होता है वह उसको स्वचालित अनाज भंडारण में इकट्ठा कर देता है या उसको भेज देता है उनकी एजेंसियों में, कहाँ पर? एजेंसियों में। द फार्मर इन यूएसए, यूएसए किसान होते हैं, वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन, वह एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, एंड नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर, एक खेतीहर किसान की तरह काम नहीं करते। तो ये अंतर है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में खेती करने का। तो दोस्तों ये चैप्टर फोर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको आप प्लीज़ कॉपी में नोट कीजिए और उनका आंसर लिखिए, इनको सोल्व कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको अच्छे से पढ़िए, पूरा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।